नमस्कार दोस्तों, आज हम ध्वनि प्रदूषण, उसके कारण, प्रभाव और रोकथाम के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न से। ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन कीजिए अथवा ध्वनि प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, ध्वनि प्रदूषण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ध्वनि या शोर प्रदूषण का सविस्तार वर्णन कीजिए, ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं, ध्वनि प्रदूषण के मानव शरीर पर पड़ने वाले कुप्रभावों का आप वर्णन कीजिए। बात कर लेते हैं ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ पॉल्यूशन की। परिचय। वैदिक व आध्यात्मिक जगत में ध्वनि का बड़ा महत्व है। वैदिक ऋषि व मुनि उचित आरोह व अवरोह के साथ वेद मंत्रों को ध्वनित करते थे, जिससे श्रोतागण को बड़ा आनंद प्राप्त होता था। आज भी सामाजिक अवसरों पर आरोह अवरोह के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। माताएँ कर्णप्रिय ध्वनि करके अपने बच्चों को सुलाती हैं व जगाती हैं, यानी लोरी गा करके। गायन व वादन की ध्वनियाँ भी आनंददायक होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस व विविध पुराणों की पंक्तियों को मरणासन्न व्यक्तियों को कान में ध्वनित करके स्वर्ग लोक भेजने की बात की गई है। इस प्रकार कर्णप्रिय ध्वनि का विशेष महत्व है। लेकिन आज कर्णकटु ध्वनि, जो कानों को दुख पहुँचाने वाली कर्णकटु ध्वनि है, पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए मानव की नींद को हराम किए हुए हैं। परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को ध्वनि यानी साउंड कहते हैं। जब ध्वनि कर्णप्रिय ना होकर कर्णकटु हो जाती है तो उसे शोर, नॉइज़ कहते हैं। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न शोर द्वारा मानव वर्ग की अशांति व बेचैनी की दिशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। Noise pollution refers to the state of intolerance and discomfort to human beings caused by noise from different sources. इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब ध्वनि कान की सह सीमा या सहनशीलता को पार कर जाती है तथा उसका प्रभाव मानव के स्वास्थ्य, कुशलता व मानस पर पड़ने लगता है और नींद हराम होने लगती है, तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषक। आवाज़ ध्वनि प्रदूषण का मुख्य प्रदूषक है। राथम हैरी, जिसको हम रोथम हैरी भी कहते हैं, ने अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ पॉल्यूशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में लिखा है कि किसी साधन से निर्गत ध्वनि अब असह्य हो जाती है तो वह प्रदूषक बन जाती है। नॉइज़ एमानेटिंग फ्रॉम एनी सोर्सेज बिकम्स अ पॉल्यूटेंट व्हेन इट इज इनटॉलरेबल। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोत हैं। प्रकृति जन्य स्रोत, इसके अंतर्गत बादलों की गड़गड़ाहट, विद्युत कड़क, तीव्र वायु प्रवाह, मूसलाधार वृष्टि, जल प्रताप, उपल वृष्टि, सागरीय तरंगे इत्यादि आती हैं जो ध्वनि प्रदूषण करते हैं। जीव जंतुओं जन्य स्रोतों, इसके अंतर्गत हाथी, घोड़े, शेर, पशु, श्रृगाल, कुत्ते, मेढक, विविध पक्षी आदि की ध्वनियाँ आती हैं जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। मानव जन्य स्रोत, इसके अंतर्गत कारखानों की मशीनें, स्वचालित वाहन यथा मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, वायुयान, रॉकेट इत्यादि, तोप, गोलाबारी, पंपिंग सेट, ध्वनि विस्तारक यंत्र, रेडियो व दूरदर्शन, मेला त्यौहार, शादी विवाह, पड़ोसी व पड़ोसी का गृह कलह, मृत्यु शोक, धार्मिक अनुष्ठान, अस्पताल, विद्यालय, कार्यालय, कचहरी, भोजनालय, शक्ति चलित मशीनें, डायनामाइट से चट्टानों के विस्फोट इत्यादि आते हैं जिनसे उत्पन्न आवाज़ ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है। ध्वनि प्रदूषण के प्रकार। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के आधार पर ध्वनि प्रदूषण निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। प्रकृति जन्य ध्वनि प्रदूषण, जीव जंतु जन्य ध्वनि प्रदूषण, मानव जन्य ध्वनि प्रदूषण। बात करते हैं प्रकृति जन्य ध्वनि प्रदूषण की। प्रकृति जन्य स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण इस वर्ग में आते हैं। इस प्रकार के ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव तात्कालिक होता है। जीव जंतु जन्य ध्वनि प्रदूषण, विविध जंगली जानवरों व पालतू पशुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण को इस वर्ग में रखा जाता है। रात में इन जीवों की आवाज़ से नींद हराम हो जाती है। और मानव जन्य ध्वनि प्रदूषण, मानव जन्य विविध क्रियाकलापों से उत्पन्न आवाज़ें इस वर्ग में आती हैं। नगरों व औद्योगिक क्षेत्रों में इसका प्रभाव व्यापक होता है। ध्वनि का मापन। ध्वनि का मापन डेसीबल डीबी व ध्वनि दाब डीबीसीए में किया जाता है। डीबी यानी डेसीबल ध्वनि की तीव्रता को तथा डीबीसीए ध्वनि के दाब का मापन करता है। 0 डीबी श्रवण की दहली है, 30 डीबी फुसफुसाहट है, 60 डीबी सामान्य बातचीत के समय उत्पन्न ध्वनि है, 90 डीबी स्वचालित वाहनों की ध्वनि है, 150 डीबी जेट वाहनों की ध्वनि है तथा 180 से 195 डीबी
रॉकेट इंजन से उत्पन्न ध्वनि को सूचित किया जाता है। 60 dB ध्वनि समानता होती है, हानिकारक नहीं होती है, लेकिन 90 से 95 dB ध्वनि से नाड़ी तंत्र कुप्रभावित होता है तथा 150 से 160 dB ध्वनि प्राण घातक होती है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार 70 से 80 dB CA तक की ध्वनि सुरक्षित, 85 dB A पर श्रवण ह्रास मतलब सुनने में कमी आती है, 90 dB A पर भयंकर क्षति, 95 dB A पर 50% लोगों में बधिरता और 105 dB A पर सभी दृष्टियों से हानि होती है। ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभाव। शरीर विज्ञान शास्त्रियों ने यद्यपि ध्वनि प्रदूषण का मानव के शरीर पर पड़ने वाले कुप्रभावों का मापन नहीं किया है, फिर भी कुछ विद्वानों का विचार है कि ध्वनि प्रदूषण का मानव के शरीर व मस्तिष्क दोनों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे उच्च ध्वनि से हृदय कुप प्रभावित होता है तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने लगती है, अप्रत्याशित ध्वनि से पाचन क्रिया कुप्रभावित होती है। एहरलिच के अनुसार ध्वनि प्रदूषण से होने वाले कुप्रभावों की ओर इस खोज के बाद ध्यान दिया गया कि जब नाइट क्लबों में देर रात तक रॉक संगीत, पॉप संगीत इत्यादि सुनने के कारण युवकों की श्रवण शक्ति में क्षीणता आने लगी तथा तीव्रगामी वाहनों से उत्पन्न ध्वनि धमाके, सोनिक बूम जनसामान्य की नींद हराम करने लगे, ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभावों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत किया जा सकता है। वाणी भाषा, जिसको हम सैक्स एंड इरविन महोदय ने पॉल्यूशन बाय नॉइस नामक पुस्तक में यह विचार व्यक्त किया कि ध्वनि का आरोह अवरोह तीव्र, मध्यम या मंद जो भी हो, उससे वाणी श्रवण में अवरोध आता है। उच्च ध्वनि के कारण कोई व्यक्ति दूसरे की वाणी को ठीक से या कम या एकदम नहीं सुन पाता है, फलतः वक्ता का आशय ठीक से समझ में नहीं आता है, अतः वक्ता को तीव्र ध्वनि में बोलना पड़ता है जिससे गले में दोष उत्पन्न हो जाता है। निद्रा बाधा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग, विविध परिवहन के साथ मशीनों की कर्कश ध्वनि इत्यादि से निद्रा बाधा होती है, जिससे करवटें बदल बदल कर रात बितानी पड़ती है, फलतः निद्रा रोग, रक्तचाप, हृदय धड़कन, सुस्ती, पागलपन जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। गाढ़ी निद्रा में ध्वनि के कारण झटके से नींद खुल जाने पर हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और हृदय गति रुक जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। मुख्य रेल पथों व मुख्य सड़कों के निकट आवास वाले लोग शोर मचाते हुए रेलों व मोटर वाहनों के कारण रात में कई बार नींद खुल जाती है, जिससे अधिक बच्चे पैदा होने के कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। श्रवण शक्ति में ह्रास होता है। तीव्र ध्वनि सुनने के कारण कान बहरे हो जाते हैं और श्रवण शक्ति भी क्षीण हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऊंची ध्वनि को 2000 बार सुनता है तो उसकी श्रवण शक्ति में कमी आ जाती है। इसी प्रकार एक प्रयोग के अनुसार यदि 100 dB ध्वनि 45 मिनट तक सुनी जाए तो श्रवण क्षमता घटने लगती है। नगर में रहने वाले लोग 45 वर्ष की आयु में बाधिर पीड़ित हो जाते हैं, जबकि अपेक्षाकृत शांत क्षेत्रों में रहने वाले 65 वर्ष तक बहरेपन से प्रभावित नहीं होते। श्रवण शक्ति में ह्रास हो जाने के कारण कुछ गोपनीय बातें श्रवण शक्ति में ह्रास हो जाने पर गोपनीय बातें नहीं की जा सकती हैं। यदि ऊंची आवाज़ में गोपनीय बातें बहरे आदमी से की जाए तो गोपनीयता के भंग होने की संभावनाएं रहती हैं। लिख करके भी दिया जा सकता है उसको। तो कारखानों में कार्यरत कर्मचारी 8 से 10 घंटों तक ऊंची ध्वनि में कार्य करते रहते हैं। घर जाने पर जब उन्हें मंद स्वर सुनने को मिलता है तब वे ना तो सुन पाते और ना बातों को समझ पाते हैं, जिससे पारिवारिक कलह उत्पन्न हो जाती है। प्राणघाती दुर्घटनाएं। सड़कों व रेल पथों को पार करते समय ऊंची ध्वनि के कारण वाहनों के आगमन या उनकी सीटी नहीं सुनाई देती है, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसी प्रकार ऊंची ध्वनि के कारण पीछे से आने वाले वाहनों की आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं और थोड़ी सी चालक में लापरवाही हुई तो दुर्घटना हो जाएगी। ऐसी दुर्घटनाओं से अनेक व्यक्ति
प्रतिवर्ष मरते हैं या उनका अंग भंग हो जाता है। एकाग्रता में बाधा। धर्माचार्यों, शोधकर्ताओं, धर्माचार्यों, छात्रों, लेखकों, चिंतकों इत्यादि की तीव्र ध्वनि के श्रवण से एकाग्रता भंग हो जाती है। ये उच्च ध्वनि के कारण मानसिक कार्य नहीं कर पाते हैं, उनकी दक्षता मारी जाती है। वे ना तो अध्ययन कर पाते और ना कोई गहन विषय ही सोच पाते हैं। वे ना तो उपासना ही कर पाते और ना तो ध्यानमग्न ही हो पाते हैं। आवांछित व भद्दे गानों का बालक, वृद्ध, रोगी, युवक, गंभीर विचारक इत्यादि सभी पर समान कुप्रभाव पड़ता है। एकाग्रता भंग होने के कारण उनमें चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, स्मृति में ह्रास, कार्य विमुखता इत्यादि हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण। वर्तमान समय में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाना कठिन है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ वाणी की स्वतंत्रता है, वहाँ व्यक्ति चिल्लाकर बोले, मुँह से बोले या ध्वनि विस्तारक यंत्र पर बोले, मधुर बोले या कर्कश स्वर में बोले अथवा गला फाड़ फाड़ करके बोले, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए पाश्चात्य देशों में महत्वपूर्ण स्थलों पर कीप क्वाइट के नोटिस बोर्ड लगा दिए जाते थे, लेकिन भारत में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाना प्रजातंत्र की अवहेलना माना जाएगा। फिर भी ध्वनि प्रदूषण से जो परेशानी होती है उसको कुछ अंश में नियंत्रित किया जा सकता है। ध्वनि विरोधी कानून बनाकर इस प्रदूषण को रोकने में सहायता मिल सकती है। जापान में इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सभी प्रकार के परिवहन यानों में साइलेंसर लगाए जाएं ताकि उनसे तेज ध्वनि ना निकले। साथ ही ऐसे टायर बनाए जाएं जो कम से कम आवाज़ करें। बड़े बड़े नगरों के निकट से वाह मार्ग बाईपास बनाकर वाहनों को गुजरने दिया जाए ताकि नगर के भीतर वाहनों से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि समस्याएं पैदा न हो। कार्य के घंटों में वाहनों, विशेषकर ट्रकों, बसों, मोटरसाइकिलों, ट्रैक्टरों आदि को कार्यालयों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थाओं इत्यादि के समीप से होकर गुजरने पर प्रतिबंध लगाया जाए। वैसे इलेक्ट्रिक कारों में यह समस्या नहीं है ध्वनि प्रदूषण की, केवल हॉर्न से समस्या हो सकती है। आवागमन के मार्गों से हटकर आवास गृह बनाए जाएं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह पर इस प्रकार का आवरण लगाया जाए कि ध्वनि की तीव्रता कम हो जाए। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि छात्र परीक्षा की तैयारी शांतिपूर्वक दत्त चित्त होकर कर सकें। धार्मिक व सामाजिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारकों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों यथा विद्यालय, पुस्तकालय, मंदिर, मस्जिद इत्यादि जैसे स्थानों पर कम से कम बोलने के लिए प्रेरित किया जाए। रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि धीमी आवाज़ से बजाएं ताकि पड़ोसियों को उसके कार्यों में बाधा ना पड़े। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण सप्ताह मानकर लोगों में ध्वनि प्रदूषण रोकने की भावना जागृत की जाए। शोर मचाकर पैदल चलने वाली भीड़ को शिक्षा देकर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। भवनों में कमरों को इस प्रकार बनाया जाए कि शयन कक्ष में ध्वनि स्रोतों का कम से कम प्रभाव पहुंच सके। मकान की छत के नीचे ध्वनि शोषक पदार्थ लगाए जाने चाहिए तथा फर्श पर दरी बिछानी चाहिए, इससे ध्वनि की मात्रा कम हो जाएगी। श्रमिकों को कारखानों में कार्य करते समय कान पर ईयर प्लग, ईयर मफ्स या ध्वनि हेलमेट लगाने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। निसंदेह उक्त उपायों द्वारा ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभावों को रोका जा सकता है और कम किया जा सकता है।